हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चित होगा चीन। आपके साथ मैं हूं शुभेंदु सिंह। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चीन की चालाकी और दगाबाजी की पोल खोलेंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे भारत सरकार चीन को चित करने के लिए रणनीति बना रही है। इसके अलावा बताएंगे कि भारतीय सेना ने कैसे चीनी सैनिकों की हेकड़ी निकाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव जारी है। भारतीय सेना ने एक बार फिर चीनी सेना की चालाकी को नाकाम कर दिया है और चीन से होने वाली घुसपैठ को भी विफल कर दिया। इसके अलावा ब्लैकटॉप पर कब्जे के साथ ही सेना ने चीनी कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ दिया है, जिससे चीन बौखला चुका है। उतर गया ड्रैगन। भारतीय सेना के सामने चीनी सेना पस्त। नहीं चली गालवान वाली चालाकी। भारतीय सेना ने चीनी जवानों को खदेड़ा। ब्लैक टॉप पोस्ट पर भारत का कब्जा। दगाबाज चीन की चालाकी पर भारतीय जवान लगातार पानी फेर रहे हैं, फिर भी चीन सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ चीन सीमा पर शांति के लिए बातचीत की दुहाई देता है, तो दूसरी तरफ चीनी सेना रात के अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश करती है। चीन के इस दोहरे रवैये से भारतीय सेना भी अछूती नहीं है। यही वजह है कि चीन की हर चालाकी को धराशायी करने के लिए भारतीय जवान तैयार हैं। करीब ढाई महीने पहले भी चीन ने गालवान घाटी में दगाबाजी की, जिसके बाद भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों के बीच जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि भारतीय जवानों ने भी कई चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था, लेकिन चाइना ने अपने सैनिकों की हताहत होने की संख्या छिपा ली ताकि दुनिया में उसकी बदनामी न हो। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई छिपती नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को धूल चटाई, लेकिन आदत से मजबूर चीनी सेना ढाई महीने बाद फिर 29 और 30 अगस्त की रात घुसपैठ करने की कोशिश की। लेकिन इस बार भारतीय सेना चीनी सैनिकों की नापाक इरादों को पहले ही भांप चुकी थी। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया। दरअसल चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाया था। इस पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है और कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को उखाड़ कर फेंक दिया है। यही नहीं, ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम के लगे होने के बाद भी भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। ये पोस्ट LAC के इस तरफ भारतीय सीमा में आती है। खबरों की माने तो चीन ने अपने सीमा निगरानी तंत्र को स्वचालित बनाया है और भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरे और सेंसर लगाए हैं। ठाकुंग के पास की ऊंचाई के पास भी चीनी सेना भारतीय सेना की ऊंचाई और उसकी आवाजाही पर कड़ी नजर रखती थी। ऊंचाई पर कब्जा करने के चीनी इरादे को भांपते हुए पिछले हफ्ते ही
भारतीय सेना के एक विशेष ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्मियों समेत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को पहाड़ की ऊंचाइयों पर तैनात कर दिया था। ये यूनिट चीनियों द्वारा किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये तो देखा कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन चीन की चालाकी और भारत की रणनीति क्या है, जरा उसको भी आपको समझाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या तैयारियां भारत की तरफ से की जा रही है। दरअसल जो कोशिशें चीनी सेना की तरफ से हाल फिलहाल में की गई थी, घुसपैठ की जो कोशिशें थी, उनको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। और इन्हीं तमाम चीजों को समझने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल रघुवीर सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है रघुवीर जी आपका कार्यक्रम में। चीन की तरफ से जो नापाक कोशिशें की जा रही हैं, लगातार घुसपैठ की जो हाल फिलहाल में कोशिश की गई, उसको भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया, विफल कर दिया, लेकिन ऐसी चालाकी और कब तक चलेगी चीन की? देखिए शुभेंदु जी, अभी भारत और चाइना दो एक बड़ी शक्ति हैं, एशिया की दोनों कॉम्पिटिटिव पावर्स हैं, और कंपटीशन एक आर्मी के लेवल पे नहीं है, एक इकोनॉमी के लेवल पे भी कंपटीशन है। और जो कोरोना का जो षड्यंत्र लगता है, हालांकि ये वुहान चाइना के वुहान से स्प्रेड किया हुआ लगता है, लेकिन इसकी कहीं सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। चाइना कभी भी बाहर की किसी भी एजेंसी को अपने इंटरनल कोई चीज एक्सपोज नहीं करता है, लेकिन वुहान का केस उसने डायरेक्टली एक्सपोज किया है, इसका मतलब उसका कोई लेकिन जो हाल फिलहाल में चीनी सैनिकों की जो नापाक कोशिश थी जिसको विफल कर दिया भारतीय सैनिकों ने, अब चीन की इस चालाकी को पूरी दुनिया समझ रही है, देख रही है, और विफलता भी दिखाई गई भारतीय सैनिकों ने, जिस तरीके से धूल चटाई चीनी सैनिकों को, तो ये तो दुनिया ने देखा। चाइना समझ चुका है, मैं वहीं पर लेके जाना चाहता था आपको, इसके पीछे कारण दूसरे हैं। चाइना समझ चुका है, अच्छी तरह समझ चुका है, लेकिन वो गिदड़ भभकी ऐसे दे रहा है ऊपर बैठ के कि जैसे पता नहीं क्या करने वाला है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे कोई दो इंच भी जमीन ले ले, यदि आएगा तो इतनी बुरी तरह मार खाएगा। और अभी तो हमारी ऐसी टैक्टिक्स या हमारा इतना हमारी फोर्सेज इस लेवल के तैयार हैं कि यदि उसने कोई भी कहीं हिम्मत दिखाई तो हमारे ये नहीं पता होगा क्या उसके बाद रिजल्ट। लेकिन वो दूर दूर से एक बार दो कदम वापिस लेता है और फिर दो कदम आगे बढ़ने के लिए दिखाता है जनता को। मुझे नहीं लगता उसने कुछ करना है, लेकिन गीदड़ भभकी ऐसे दे रहा है जैसे वो इतने सालों से देता है। क्या ये सब कुछ जो अभी वुहान के अंदर हुआ था, एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर उसकी छवि खराब हुई, ये सब कुछ उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए क्या किया जा रहा है, ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जा रहा है सिर्फ? मुझे तो वो वुहान का वायरस भी वायरस नजर नहीं आता, ये भी एक षड्यंत्र नजर आता है, क्योंकि यहां पे हम जो सर्वे करते हैं, जिस हिसाब से उसने स्प्रेड किया है, एक फोबिया तैयार किया है। हमारी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, बाकी एजेंसीज को ध्यान देना चाहिए वास्तव में वायरस है भी या नहीं, मुझे तो इस पर डाउट होता है। और लेकिन क्योंकि वो वरना वायरस एक्चुअल में होता तो शायद वो डिस्क्लोज भी ना करता, ये भी उसकी कोई टेक्टिकल चाल है। और वो अपने इंडस्ट्रीज को, उसने ऐसी चाल तो चल दी लेकिन अपनी चाल में फंसा हुआ है, पूरे इंटरनेशनल लेवल से उसके ऊपर प्रेशर है। वो एक तरफ अपनी पावर को उजागर करके जैसे भारत के लिए पता नहीं क्या करने वाला है, भारत जब उसको दिखाता है मौका, जब उसको लगता है मुझे हम मारे जाएंगे, पीछे हटकर नहीं, हम तो बात कर रहे हैं टेक्टिकली बात कर रहे हैं, और वो फिर बातचीत पा जाता है। इस बार जो भारत और फिर धोखा देता है रघुवीर साहब, इस बार जो भारत ने रणनीति अपनाई, दबा नहीं, डरा नहीं, सामने डटा रहा, और ये भी बता दिया कि अब ये नया भारत है, तो क्या इसके बाद से चीन को यह लगने लगा है कि अब डरा धमका करके, और जो ड्रैगन वाली चाल थी कि पहले जरा एक दो कदम आगे चले जाइए, फिर एक कदम पीछे कर लीजिए, फिर आगे चले जाइए, और इस तरीके से जमीन को हड़प ले, तो वो सब अब चलने वाला नहीं है, ये उनको समझ में आ चुका है? ना तो कोई नया भारत है, वही हमारा भारत है, वही हमारे सैनिक हैं और वही हम देश के नागरिक हैं। ये तो 92 का एक ऐसा फेलियर था जो कि हमारे हायर ऑफिस पे, मैं ये भी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, कौन था प्राइम मिनिस्टर नेहरू, क्या फॉल्ट था, किसका फॉल्ट था, जो भी है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, ब्लैक डे था हमारी हिस्ट्री में। वो
हमारे सैनिक बगैर वेपन के, बगैर एमनिशन के, बगैर क्लोदिंग के, बगैर आई मीन एयर सपोर्ट के, और किस तरह निहत्थे, जैसे वो निहत्थे भी नहीं है, उन्होंने वेपन भी संभालना और गोलियां नहीं है, वहां डटना भी है पर जगह भी नहीं है, ऐसे हालात में ऑपरेट करके, और सबको पता है थ्रेट है और गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी, फंसा हुआ क्या नहीं करता, वरना हमारे सैनिक वही उस टाइम थे, वही आज हैं, लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट का डिटर्मिनेशन लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, क्रिस्मेटिक नेता हैं देश के, जिससे हर एक आदमी को बल मिलता है नीचे से ऊपर तक, और लगता है कहां, जैसे प्राइम मिनिस्टर जाके बॉर्डर के ऊपर कैसे प्रोत्साहन करते हैं अपने सैनिकों को, और सैनिक तो हमेशा तैयार है, और ऐसा तैयार है वर्ल्ड के अंदर इंडिया जैसे सैनिक शायद कहीं मिलेंगे, और हमारे पास यदि आधे भी वेपन होंगे उनसे, चाइना से हावी, तो भी उनको ऐसे ठोकेंगे। ठीक है रघुवीर सिंह जी, एक बहुत आसान सी और सरल सी भाषा में आप अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं, जो इशू चल रहा है साधारण और आसान शब्दों में इसको क्या माना जाए, कि कुछ जमीन है जो, अब क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि हमारी जमीन क्या चीन के कब्जे में है, क्या इस बारे में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए या फिर इसको डिस्क्लोज करना चाहिए कि हमारी जमीन कहीं उनके पास तो नहीं, ये जरा क्लियर कीजिए, जरा आसान भाषा में जरा समझाइए दर्शकों। भाषा में ये पॉलिटिक्स में फौजियों को या सिक्योरिटी फोर्सेज को ये ड्रैग मत कीजिए, जो कांग्रेस के ये जो सुरजेवाला कई बार जाके टीवी पे ऐसे बोलता है, हमें उससे घृणा है, हमारी फोर्सेज के ऊपर हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, या तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता जो भी हैं, खासकर सुरजेवाला जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप बॉर्डर पर जाके उस हाई एल्टीट्यूड पे एक हफ्ता बिता के आइए, फिर हम आपको देखेंगे आपकी जुबान भी कैसी निकलेगी वहां जाने के बाद। वहां की जो सिचुएशन है आप यहां बैठ के सोच नहीं सकता, जो सिचुएशन से नहीं निकला है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। यानी कि एक सैनिक को बड़ा दुख होता है जब राजनीति होती है ऐसे विषयों पर, जब ये ऐसे कॉमेंट्स कसते हैं जैसे ये एक्सपर्ट हैं, इनसे हो सकता है एक किलोमीटर ना चला जाए वहां पे, और ये कमेंट्स ऐसे कसते हैं क्योंकि नेता है ना, नेता ने क्या जुबान चलानी है, जुबान चलाने में क्या लगता है, कुछ भी बोल दो, कौन चेक करने वाला है, मैं एज ए सोल्जर मैं उसको पूछने वाला हूं, मैं उसको गाली देने वाला हूं, नहीं, क्योंकि वी रिस्पेक्ट ऑल सिटीजन। ठीक है, तो अब पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो फ्री हैंड छोड़ा गया है भारतीय सैनिकों को, फ्री हैंड छोड़ा गया है कि अगर बॉर्डर पर अगर कुछ भी होता है तो आपको माकूल जवाब देना है। फ्री हैंड पहले भी होता है फोर्सेज के पास, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमें सपोर्ट सिस्टम का हमें भरोसा हुआ है, और बहुत सारी डेफिशिएंसीज वो पूरी हुई हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि क्विक टाइम के अंदर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो एक सोल्जर को मिलने की पूरी पूरी संभावना और हमें कॉन्फिडेंस है, इसलिए सोल्जर अपना कार्य करेगा। ठीक है, यानी कि सैनिकों में भी एक भरोसा है बना भरोसा हुआ है कि उनके साथ उनका देश खड़ा है, उसको चारों खाने चित करने के लिए भारत ने प्लानिंग शुरू कर दी है, और इसमें भारत का साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी दे रहे हैं। क्वाड के सदस्य देश चक्रव्यूह के जरिए चीन पर कैसे वार करने वाले हैं, आगे आप देखिए। ड्रैगन होगा चारों खाने चित, भारत ने बनाया फुल प्रूफ प्लान, भारत के चक्रव्यूह में फंसेगा चीन, भारत को मिला अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का साथ, पेंगोंग में ताजा विवाद के बाद चीन को घेरने के लिए भारत सबसे बड़ा चक्रव्यूह रच रहा है, जिसमें ड्रैगन का दबदबा खत्म करने में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ दे रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीति से सिर्फ भारत ही तंग नहीं है, बाकी देश भी उससे परेशान हैं। अब पेंगोंग में ताजा विवाद के बाद चीन को घेरने और सबक सिखाने के लिए भारत ने तीन अन्य देशों के साथ मिलकर सबसे बड़ा चक्रव्यूह रचा है। इसमें भारत के साथ क्विड के सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं। चीन को मिलकर करेंगे नेस्तनाबूद।
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के इन चारों देशों ने मिलकर फैसला लिया है कि चीन के दबदबे को मिलकर खत्म किया जाएगा। इसमें गलवान घाटी और साउथ चाइना सी में चीन को एक साथ पीछे धकेला जाएगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर ये रणनीति बनाई है। चीन के बारे में जानकारी साझा करेंगे चारों देश। क्विड देशों के बीच लगातार चीन को लेकर ब्रीफिंग हो रही है। इसमें चीन की हरकतों पर सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाता है। अब जल्द चारों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इसमें रणनीति को आगे विस्तृत रूप दिया जाएगा। पेंगोंग में जो कुछ 29-30 अगस्त की रात को हुआ, उस पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। इसमें फैसला लिया गया कि भारत पूरी तरह तैयार रहेगा। इसी सतर्कता का नतीजा है कि इस बार भी चाइना को मुंह की खानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। यानी कि चीन को चुत करने के लिए भारत की रणनीति बहुत बेहतर है। और रघुवीर जी से मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। रघुवीर जी, जरा इस चीज को जरा समझाइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस भूमिका में है, सभी देशों का साथ जो भारत को मिल रहा है, ये अपने आप में सामरिक रूप से भी और कूटनीतिक तौर पर भी भारत को मजबूत करता है। सुभेंद्र जी, मेरे को एक कहानी याद आ गई, अभी एक्चुअल फैक्ट याद आ गए हैं कि जैसे प्रकृति में होता ना, एक सांप होता है, एक नेवला होता है। आज कुछ सीन ऐसा ही बना हुआ है कि चाइना सांप बना हुआ है और भारत का रोल नेवले जैसा है। और अभी भारत वेट कर रहा है कि ये कब मुंडी निकाले और मैं इसकी मुंडी निकाल के खाऊं। बाकी चाइना अभी ऐसा फंसा हुआ है, यदि वो भागता है तो इंटरनेशनल लेवल में उसकी वो होती है कि भाग गया। दूसरा उसको ये डर है कि अभी भारतीय ऐसे हैं, आते ऑक्यूपाई करेंगे, उनके खाली करते वो एरिया हम ऑक्यूपाई करेंगे। जबकि हमारी ये विस्तारवादी नीति नहीं है, पर क्योंकि वो धोखेबाज खुद है, वो ऐसी उसकी सोच, ऐसी सोच रखता है कि भारतीय फोर्सेस जैसे हटी वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत की ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन उसको खुद के डर से डर लगा हुआ है। वो थोड़ा हटता है फिर उसको वो डर लगने लग जाता है। लेकिन क्या ये भी माना जाए कि चीन अपनी आदत से मजबूर है। एक तरफ वो बातचीत की टेबल पर पहुंचता है, अधिकारियों के साथ दो देशों के बीच बातचीत होती है, लेकिन वही दूसरी तरफ उसके सैनिक जो है एलएसी क्रॉस करते हैं या फिर किसी ना किसी रूप में विवाद नजर आता है। नहीं, क्योंकि वो विश्वासघाती खुद है। आप देखिए, दो आदमियों की लड़ाई होती है, एक आदमी सच्चा होता है वो दूसरे की बात पर भी विश्वास करता है, और एक आदमी धोखेबाज होता है वो दूसरे की बात पर विश्वास नहीं करता। वही चाइना के साथ हो रहा है। वो धोखेबाज है, वो अपने दोस्त चाइना, इसके पाकिस्तान को भी नहीं बख्शता, वो किसी को माफ नहीं करता, सभी को खाने की इच्छा है उसकी। तो उसको विश्वास नहीं होता कि भारत जो कहता है वही करेगा, और उसका अविश्वास बना रहता है। एक तो अविश्वास वाली बात होगी, दूसरा उसको यदि वो वहां से विड्रॉ करके जाता है तो उसकी वहां इंडस्ट्री भागेगी वहां से, और उसका ऐसा धक्का लगेगा जैसे हमें 1962 में धक्का लगा था, क्योंकि वहां उसने इमेज ऐसा बना रखा जैसे वो तो बहुत ही बड़ा योद्धा है। और लड़ता है तो उसको पता ही है मैं सांप हूं, भारत नेवला है, और इस बार भारत खाएगा। इस बार भारत ऐसी आंखें करेगा चाइना को, यदि उसने कोई हरकत की, एक जगह कहीं जगह छोटी मोटी में सफल हो सकता है, पर उसका ये बुरा हाल होना है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अपाचे, चिनूक और राफेल ये भारत की वो शक्ति बन करके उभरे हैं अब, जो कि भारत को आज के समय में, रघुवीर जी ये गलत नहीं होगा कि आज जिस रूप में भारत है ये उसके पीछे की बहुत बड़ी ताकत है। शुभेंदु जी, हमारे सारे लेवल पर देखिए, लेवल एक नहीं होता फाइटिंग में जी। आप ये देखिए वेपन्स के लेवल में वी आर ट्राइंग टू मैच वेपन, उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। एयरफोर्स, एयर स्पोर्ट मैच करने की कोशिश कर रहे हैं हम। दूसरे देशों से जो स्पोर्ट आनी वो हम उनसे ज्यादा है हमारे पास। फाइनेंशियल कंडीशन हमारे पास ज्यादा है। रोड की जो कंडीशन है वो हमने उनके तकरीबन मैचिंग कर दिया है। और जो तिलमिलाहट तो यहीं से है सारी चीजें, नाउ वी आर बैचिंग। लेकिन हमारी सुपर पावर देखिए ना, हमारे जो सैनिक हैं वो हमारी सुपर पावर है। जो ग्राउंड पे वहां पे उतने बैटल टैंक नहीं लड़ सकते हैं जितना एक सोल्जर टू सोल्जर बैटल फाइट होगी वहां पे।
और सैनिकों के मन में जो शक्ति है, जो मनोबल है, वो लोगों के जज्बे से, लोगों का जो सपोर्ट मिलता है, देश का जो प्यार मिलता है, वहीं से और भी ज्यादा आने लगता है। क्या दूसरा हमारा खून खोलता है अभी भी। मेरे को अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी मुझे जाना पड़ा तो मेरा टारगेट होगा इतने चाइनीज को ठोकना है, 1962 का बदला लेना है और मेरे देश का प्राइड जो इतना नीचे उनका दिखाई देता है उसको कहीं थोड़ा ऊंचा नहीं, बहुत ऊंचा उठाना। बिल्कुल, और हर किसी के मन में यही जज्बा है कि अगर मौका मिलेगा तो सीमा पर जाकर भी अपनी ताकत को दिखा देंगे। खैर, बहुत शुक्रिया रघुवीर सिंह जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपना समय दिया। लेकिन ड्रैगन को चित करने के लिए भारत की रणनीति पूरी तरीके से फुल प्रूफ तैयार है और ड्रैगन को अब पीछे हटना ही होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।